इंदौर लोकसभा प्रत्याशी शंकर लालवानी के रोड शो में विधायक और महापौर मालनी गौड़ ने अजहर मसूद को राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और कहा, देश को बचाना है तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। इंदौर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने भाजपा की अयोध्या कहे जाने वाले विधानसभा क्रमांक 4 में जनसंपर्क किया। यहाँ बीजेपी को लेकर लोगों का खासा उत्साह देखने को मिला। शंकर लालवानी ने लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा और बोले, अगर देश को बचाना है तो मोदी को जिताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 सालों में देश के लिए विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर काम किया है और यह विकास आगे भी होता रहे, इसके लिए आप सभी को भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना ही होगा। एक और राष्ट्रहित की बात करने वाले और राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले हमारे नेता मोदी जी हैं, तो दूसरी ओर आतंकवाद को और कश्मीर में सेना हटाने के लिए अपने घोषणा में पत्र में करने वाले नेता राहुल गांधी जी हैं। बंधुओं, हमारे पास एक ऐसा नेता है जिससे भारत को विश्व में एक ऊंचे स्थान पर स्थान मिलाया है और दूसरी ओर ये जो ठगबंधन है 17 दलों का, इनसे अगर पूछा जाए कि आपके आपका नेता कौन है, आपका प्रधानमंत्री प्रत्याशी कौन है, तो एक दिन एक प्रत्याशी रहता है, दूसरे दिन दूसरा रहता है, तीसरे दिन तीसरा रहता है, इनके पास कोई भी प्रधानमंत्री के रूप में कोई भी नेता नहीं है। मजहर मसूद अजहर, जिसको इंटरनेशनल आतंकी घोषित करवाने में माननीय मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, हमारा जो सैटेलाइट जो छोड़ा है उसमें हमारा देश 4th नंबर पर आया है, विश्व में एक बड़ी शक्ति के रूप में भारत उभरा है और ऐसे प्रधानमंत्री को हमको फिर से स्थापित करना है।